नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 21 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूं। कुछ यहां पे हुआवे की तरफ से, कुछ नोकिया की तरफ से, कुछ शाओमी की तरफ से और कुछ यहां पे ओप्पो की तरफ से दोस्तों। तो आप आगे देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है MWC 2019 को लेके है, और यहाँ पे MWC शुरू हो चुका है जो कि यहाँ पे बार्सिलोना में हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आपको कई सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो कि अपने अपने टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है दोस्तों, वो है यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी और साथ में यहाँ पे फोल्डेबल स्मार्टफोन, वो भी फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स के साथ में। जितने भी स्मार्टफोन बार्सिलोना में अभी तक शोकेस हुए हैं MWC 2019 में, उनमें जो सबसे पॉपुलर चल रहे हैं वो है यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी, और दूसरा है यहाँ पे दोस्तों फ्लैगशिप ग्रेड फ़ोन, वो भी फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 2019 में हमको मिड या फिर एंड तक हमको देखने को मिल जाएंगे फोल्डेबल स्मार्टफोन जो कि 5G टेक्नोलॉजीज़ के साथ में आएंगे। अगला अपडेट यहाँ पे LG के फ़ोन को लेके है, और ये फ़ोन भी यहाँ पे MWC 2019 में शोकेस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो आपको नॉच वाला मिल रहा है। इस फ़ोन का नाम है LG G8 ThinQ, और फ्लैगशिप ग्रेड फीचर के साथ में ये फ़ोन आता है। ट्रिपल रियर कैमरा है और डिज़ाइन आपको फ्लैगशिप ग्रेड का ही देखने को मिलता है इस फ़ोन का। IP68 को ये सपोर्ट करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है इस फ़ोन पे। अगर बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो यहाँ पे 6GB और 128GB के साथ में ये फ़ोन आएगा दोस्तों। अगर आप कुछ और देखते हैं यहाँ पे बैटरी, तो बैटरी थोड़ा सा कम मिल रही है इस फ़ोन की। यहाँ पे 3500mAh की बैटरी मिल रही है आपको। जो डिस्प्ले है 6.21 इंचेस का है जो कि OLED डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको काफ़ी हाई मिलता है। यहाँ पे QHD+ रेजोल्यूशन के साथ में ये फ़ोन आता है। स्नैपड्रैगन 855 चिप का सपोर्ट मिलता है आपको, और जो कैमरे हैं यहाँ पे 12MP प्लस 16MP प्लस 12MP का कॉम्बिनेशन है बैक साइड में। और अगर हम फ्रंट पे देखते हैं तो 8MP प्लस TOF कैमरा आपको मिल रहा है इस LG के फ़ोन पे। तो सारे फीचर यहाँ पे फ्लैगशिप ग्रेड के हैं इस फ़ोन पे। साथ में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग और क्विक चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है इस फ़ोन पे। अगला अपडेट यहाँ पे LG के फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन को लेके है, और ये फ़ोन है LG V50 ThinQ। इस फ़ोन पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिप का सपोर्ट मिलता है। साथ में यहाँ पे 4000mAh की बैटरी मिल रही है, और सबसे कमाल की बात है इस फ़ोन पे आपको 5G फैसिलिटी मिल रही है दोस्तों। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ में ये फ़ोन आता है। ट्रिपल रियर कैमरा आपको मिल रहा है, 12MP प्लस 12MP प्लस 16MP का कॉम्बिनेशन है, और फ्रंट पे मिलता है 8MP प्लस 5MP का कॉम्बिनेशन दोस्तों। यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है, एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिल रहा है, और बैटरी थोड़ा सा बड़ी मिल रही है LG G8 ThinQ के कंपैरिजन में दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग भी इस फ़ोन की ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 5G फीचर एक एडिशनल जुड़ जाता है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि ये फ़ोन mid-2019 में लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कब आता है ये फ़ोन। OLED डिस्प्ले आपको मिल रहा है, रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है इस फ़ोन का, QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 855 चिप का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशन ओवरऑल अच्छा है इस फ़ोन का दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे है Xiaomi के फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन को लेके, Xiaomi Mi Mix 3। जैसे कि उन्होंने बोला था कि हम 2019 में अपना ये फ़ोन लॉन्च करेंगे जो कि 5G फीचर के साथ में आएगा, और यहाँ पे आपको प्रोसेसर थोड़ा सा हटके मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिप का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है दोस्तों वो काफ़ी गजब की है, काफ़ी ज़्यादा रखी है कंपनी ने, 599 यूरो, और इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 48,200 रुपीज़ के आसपास। इस फ़ोन पे जो कैमरे आपको मिल रहे हैं, 12 प्लस 12MP का कॉम्बिनेशन आपको बैक पे मिल रहा है, और फ्रंट पे मिल रहा है आपको 24MP प्लस 2MP का कॉम्बिनेशन। स्नैपड्रैगन 855 चिप है, 3800mAh की बैटरी है, और स्लाइडिंग वाला फीचर तो आपको मिल ही रहा है इस फ़ोन पे। 6.39 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग फीचर के साथ में आपको फ्रंट कैमरा खुल के देखने को मिलता है। तो 5G फीचर इस फ़ोन पे मिल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये फ़ोन भी mid-2019 में आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मई के आसपास आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, और इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि आएगा ही ये फ़ोन दोस्तों। देखते हैं कि कब आता है और किस प्राइस में लॉन्च करती है कंपनी इस फ़ोन को। अगला अपडेट यहाँ पे हुआवे के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके है, और ये फ़ोन काफ़ी टाइम से लीक में चल रहा था दोस्तों, और इस फ़ोन का नाम है हुआवे मेट एक्स। मैंने आपको लास्ट अपडेट में भी बताया था कि यहाँ पे MWC में ये फ़ोन भी शोकेस होने वाला है, और हो गया है दोस्तों ये फ़ोन शोकेस। फ्लैगशिप ग्रेड का आपको इसमें प्रोसेसर मिल रहा है, किरिन 980 चिप का इसमें सपोर्ट मिल रहा है, फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ में आता है। 8 इंच का इसका डिस्प्ले है, और जो बताया जा रहा है दोस्तों इसमें जो कवर वाला डिस्प्ले है 6.6 इंचेस के साथ में आता है। रेजोल्यूशन भी इसका काफ़ी हाई आपको मिल रहा है इस फ़ोन पे। 4500mAh की आपको बैटरी मिल रही है इस
Huawei Mate X स्मार्टफोन पे। लेकिन अगर आप अगर इस फ़ोन की प्राइसिंग सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे दोस्तों। यहाँ पे जो प्राइस है फ़ोन का 2299 यूरो, तो इंडियन रुपीज़ में अगर हम इस प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आता है 209,000 रुपये के आसपास, जो कि काफ़ी हाई प्राइस है दोस्तों। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड अभी लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस कंपनी ने रखा हुआ था 141,000-142,000 रुपये के आसपास, तो उससे लगभग 65-70,000 रुपये का गैप यहाँ पे रखा हुआ कंपनी ने। हालांकि ये फ़ोन स्लिम डिज़ाइन के साथ में आता है, तो देखते हैं कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे पॉपुलर होता है आने वाले टाइम में। दोस्तों यहाँ पे जो रियर कैमरे आपको मिल रहे हैं इस Huawei Mate X स्मार्टफोन पे, 40 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है बैक साइड में। उसके साथ में आपको एक TOF कैमरा भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन आपको मिल रहा है इस Huawei Mate X का। तो जरूर नीचे कमेंट बताना कि कैसा लगा इस फ़ोन का डिज़ाइन, अपना ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट में शेयर करना दोस्तों। अगला अपडेट Nokia 9 Pure View स्मार्टफोन को लेके है, और ये फ़ोन भी अनाउंस हो गया दोस्तों। यहाँ पे फ्लैगशिप ग्रेड फीचर आपको मिलते हैं इस फ़ोन पे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिप का आपको सपोर्ट मिल रहा है, 5 कैमरा सेटअप आपको बैक में मिल रहा है, जो कि इसका सबसे पॉपुलर फीचर है दोस्तों। काफ़ी टाइम से ये फ़ोन लीक में चल रहा था, कई सारी इमेजेस यहाँ पे लीक के बेसिस पे सामने आई थी दोस्तों। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 845 चिप का सपोर्ट मिल रहा है, 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 3320mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि 18W के क्विक चार्जर के साथ में आती है दोस्तों। तो काफ़ी कमाल की बात है कि यहाँ पे आपको सारे फीचर अच्छे खासे मिल रहे हैं। 5.99 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि यहाँ पे QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हाई मिल रहा है, तो इसमें आपको PPI भी काफ़ी हाई मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि जो इसका प्राइस हो सकता है $699 के आसपास होने वाला है, तो इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 49,000 रुपीज़ के आसपास कहीं ये कन्वर्ट होकर आता है दोस्तों। साथ में जो कैमरा सेटअप है यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के आपको 5 कैमरे बैक साइड में मिलते हैं, साथ में एक TOF कैमरा भी आपको मिल रहा है, तो वो काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पे जो 2 कैमरे हैं मेन सेंसर जो बैक साइड में है वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे RGB सेंसर, उसके साथ में जो 3 सेटअप और कैमरों का है वो मिल रहा है आपको मोनोक्रोम सेंसर, तो काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पे आपको क्वालिटी काफ़ी कमाल की मिलने वाली है कैमरे की मदद से दोस्तों, तो जो भी आप पिक्चर यहाँ पे लेते हो तो उसकी जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैंने यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स देखी हैं जो यहाँ पे Nokia 9 Pure View से ली गई हैं, काफ़ी डिसेंट पिक्चर है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है फोटोज़ की, तो काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन ये हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल अपडेट की, जो कि यहाँ पे ओप्पो की तरफ से दोस्तों, और ओप्पो अपना बहुत ही जल्दी एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जो कि 5G फीचर के साथ में आएगा, और ये MWC 2019 में इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है दोस्तों। इस फ़ोन की जो सबसे खास बात है वो है इसका ऑप्टिकल जूम, यहाँ पे आपको लॉसलेस ऑप्टिकल जूम मिलता है जो कि 10x के साथ में आता है, तो मतलब अगर आप काफ़ी दूर की भी इमेज कैप्चर करते हो उसको आप देखते हो जूम करके तो यहाँ पे पिक्सल नहीं फटने वाले हैं, तो कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी गजब की होने वाली है, और बहुत सारे और भी फीचर आपको मिलेंगे इस फ़ोन पे। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जो इस फ़ोन पे आपको 5G वाला फीचर मिलेगा, उसमें आपको जो इंटरनेट की स्पीड होने वाली है वो काफ़ी हाई होने वाली है, वो यहाँ पे 4G के कंपैरिजन में 10-100 टाइम फास्टर होगी दोस्तों। तो देखते हैं कि कब ये फ़ोन लॉन्च होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे mid-2019 में ये ओप्पो का फ़ोन लॉन्च हो सकता है, जो कि हाई एंड फीचर के साथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बस यहाँ पे आज की सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स मैंने कवर कर दी इस वीडियो में। आप ज़रूर नीचे कमेंट बताने कि कौन सी टेक अपडेट आज की आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये टेक अपडेट सीरीज़, सारी चीज़ें नीचे कमेंट में लिखना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।